The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप लोगों का द डॉन एक्सप्रेस में स्वागत है और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा। सबसे पहले मैं आपको त्योहारों की बधाई देती हूँ। ये वो त्यौहार हैं जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलते हैं। सबसे पहले धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं, उसके बाद छोटी दिवाली, उसके बाद बड़ी दिवाली सेलिब्रेशन होता है और फिर गोवर्धन जी की पूजा की जाती है और उसके साथ साथ अगले दिन भाई दूज मनाया जाता है। तो चलिए इसी बारे में आज आपको और जानकारी देती हूँ और भी तमाम खबरें लेकर आई हूँ द डॉन एक्सप्रेस में आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम शुरुआत कर रहे हैं धनतेरस से। जी हाँ, धनतेरस एक ऐसा त्यौहार जहाँ पर मान्यता है सोना चांदी और बर्तन खरीदने की। हम सब जानते हैं कि धनतेरस को देवता कुबेर की पूजा की जाती है, लेकिन साथ साथ आपको आज एक और बात बताना चाहती हूँ जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम कि इस दिन यम जी की भी पूजा की जाती है ताकि किसी भी घर में असमय मृत्यु का कोई भय ना रहे। तो अब की बार जब भी आप धनतेरस की पूजा करेंगे तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि धन कुबेर जी के साथ साथ आपको यम जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जी हाँ, धनतेरस धन समृद्धि और सुख आपके घर में लाता है और साथ ही साथ धन धान्य से परिपूर्ण आप लोगों का घर हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप यम जी की भी पूजा करेंगे तो असमय मौत से भय नहीं सताएगा। और भी तमाम खबरें हैं, चलिए बताती हूँ अब दूसरी खबर। धनतेरस के बारे में आपको और एक अहम जानकारी देना चाहती हूँ यहाँ द डॉन एक्सप्रेस पे, और वो ये है कि हम सब जानते हैं कि सोना चांदी और बर्तन खरीदना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए अगर आप सोना या चांदी खरीदते हैं और ख़ास तौर पे अगर चांदी की बात करूँ तो चांदी भगवान शिव के नेत्रों का प्रतीक माना जाता है, तो इस दिन चांदी ज़रूर खरीदें, चाहे एक सिक्का ही सही। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है हमारे घर में इस्तेमाल किए जाने वाली झाड़ू, तो इस दिन झाड़ू ज़रूर खरीदें और अगले दिन दिवाली के अगले दिन उस झाड़ू को इस्तेमाल करें और पुरानी झाड़ू घर से बाहर कर दें। ये आपके घर में धन धान्य ज़रूर लाएगा। और भले ही आप बर्तन के नाम पर एक चम्मच खरीदें, लेकिन बर्तन खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है खरीदनी धनतेरस वाले दिन। एक तो झाड़ू जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, और दूसरा चांदी जो भगवान शिव के नेत्रों का प्रतीक है, और साथ ही साथ कोई भी बर्तन आप ज़रूर खरीदिएगा। और भी जानकारी है मैं लेकर आई हूँ, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप जानते हैं कि दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है? है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक बात है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि धनतेरस वाले दिन भी अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी के प्रसन्न करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अपने पूजा स्थल पर कमल गट्टा रख सकते हैं, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और गणेश जी की चांदी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, साथ ही साथ श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। ये वो सारी तमाम चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं, और साथ ही साथ नारियल भी आप अवश्य याद रखें। तो ये सारी बातें हैं धनतेरस की, और भी बातें हैं, बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। धनतेरस के बाद बारी आती है छोटी दिवाली की। जी हाँ, आजकल हम देखते हैं कि कई सारे त्यौहार दो दो मनाए जाते हैं। कभी जो तारीख होती है वो दो होती हैं, और दिवाली तो हम सब जानते हैं कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली हम बचपन से मनाते आ रहे हैं, और छोटी दिवाली का भी बहुत ही अलग महत्व है। छोटी दिवाली वाले दिन घर में आपके जो भी व्रत हो वो दिया जलाए, वो विशेष दिया पूरे घर में घुमाया जाता है और उसे घर से काफ़ी दूर रख दिया जाता है। इस दिए से ये मान्यता है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और यम जी की पूजा भी आप कर सकते हैं, असमय मृत्यु का भय आपको इस दिन ये करने से नहीं सताएगा। तो इस बार जो एक नई जानकारी मैंने आपको दी है कि जो भी घर में वृद्ध व्यक्ति हो उससे एक विशेष रूप से दिया जलवाए जो पूरे घर में घुमाया जाए। जी हाँ, तो छोटी दिवाली वाले दिन सज सजावट के साथ साथ आप ये विशेष रूप से दिया जलाना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं मेन दिवाली की। जी हाँ, आप लोगों के घर में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि
अब साज सजावट का सारा सामान आप ले आए होंगे या फिर आपकी शॉपिंग जारी होगी और साथ ही साथ साफ सफाई का अभियान आपके घरों में शुरू हो चुका होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, साफ सफाई के लिए विशेष प्रावधान है। सबसे पहले एक खास बात आप याद रखिएगा कि साफ सफाई जब आप करें तो छत की सफाई अवश्य करें। अगर घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब है तो उसे अवश्य ठीक कराएं, और अगर आप यदि आप नया खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही लाभकारी है। और साथ ही साथ अपने घर में जब भी आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करें तो आपके मेन गेट के सामने वो स्थापना होनी चाहिए, और किसी भी कारणवश अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने पूजा घर के गेट के सामने ज़रूर स्थापित करिएगा, जिससे धन धान्य से आप भरपूर हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक खास बात और जो आपको बताने वाली हूँ वो क्या है, उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। क्या है वो विशेष बात जो दिवाली के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके घर में तोरण, जिसे बंदरवाल भी कहा जाता है, वो आप ज़रूर बांधिएगा। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप इसे बांधेंगे तो ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है, साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। जी हाँ, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा वो आपको प्रदान करेगा और साथ ही सारी नकारात्मक जो भी ऊर्जा है वो घर से बाहर हो जाएगी। तो बंदरवार आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के डिज़ाइन के, प्लास्टिक के और नेचुरल फूलों के भी आपके लिए उपलब्ध हैं। तो ये खास बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने घर में दिवाली के पूजन, दिवाली वाले दिन आप बंदरवार ज़रूर बांधिएगा, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, आपके घर में सारी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है और आपको मानसिक शांति भी प्रदान होती है। इस बार की दिवाली 2020 की दिवाली बहुत ही अलग हो रही है। जी हाँ, ये साल की शुरुआत ही बहुत अलग रही। इस साल सब ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। कुछ लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये साल मिला जुला रहा, लेकिन इस बार त्योहारों का भी सिलसिला कुछ अलग ही रहा है। जो श्राद्धों के बाद तुरंत बाद नवरात्रि शुरू होते थे वो आगे खिसक गए। जी हाँ, और जहाँ 5 दिन का ये दिवाली का त्यौहार मनाया जाता था, धनतेरस से शुरू होता था, वो अब 4 दिवसीय हो गया है। ब्लू मून जो है वो भूकंप या सुनामी ले आया, तो ये साल बहुत ही उतार चढ़ाव का रहा। इस बार दिवाली आप बहुत ही परहेज करके मनाइएगा। मिठाइयों की बात नहीं कर रही हूँ, मिठाइयों से तो आपको परहेज करना ही है। हाँ, आप मिठाई ज़रूर खाइएगा, मैं ये नहीं कह रही कि आप मिठाई बिल्कुल मत खाइएगा, लेकिन आपकी सेहत के लिए जो बहुत ज़रूरी है उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ इस बार आप हाथों को सैनिटाइज करके पटाखे मत जलाइएगा। वैसे तो मैं आपको यही कहूँगी कि पटाखों से आप बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और पटाखों वाले दिन यानी दिवाली वाले दिन जब हम पटाखे जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को नुकसान पहुँचेगा, पर्यावरण को जिसमें हम रहते हैं उसको बहुत नुकसान पहुँचेगा। इसलिए आपसे गुजारिश करती हूँ यहाँ पर कि पटाखों से दूरी बनाए रखिएगा। लेकिन शुभ के लिए, जी हाँ, अगर आप अपने घर में कुछ भी शुभ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक फुलझड़ी ज़रूर जलाइएगा, और उसको जलाने के साथ साथ अपने और अपनों की मंगल कामना ज़रूर करिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि हाथ को धोकर पटाखे जलाइएगा, लेकिन सैनिटाइज बिल्कुल मत करिएगा जब आप पटाखे जलाएं, क्योंकि उससे चिंगारी आपके हाथ में लग सकती है। जी हाँ, सैनिटाइज़र से इस्तेमाल करने के बाद ना तो गैस के पास जाया जाता है और ना ही पटाखों के, तो यानी आग से दूर रहिएगा। और साथ ही साथ मास्क ज़रूर पहनिएगा। बिना मास्क पहने घर से बाहर आप बिल्कुल मत जाइएगा। हम समझ सकते हैं कि त्योहारों के इस सिलसिले में और इतने लंबे अंतराल के लॉकडाउन के बाद आप सब मार्केट में घूम रहे होंगे, बहुत उत्सुक होंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद मार्केट में वो रौनक देखने को मिली है। लेकिन उसके साथ साथ आप कोरोना की ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि अब कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, इस महामारी की चपेट में आप ना आएं। इसीलिए आपसे गुजारिश एक बार फिर से करती हूँ कि अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, मास्क पहनिएगा और हाथ समय समय पर धोते रहिएगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2020 की ये दिवाली बहुत ही अलग है। जी हाँ, 499 साल बाद ये तीन ग्रहों का संगम होगा और साथ ही साथ ये 5 दिन का त्यौहार जो 4 दिन में समेटा गया है ये भी बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त होता है। और भी जानकारी है जो आपको देने वाली हूँ यहाँ पर आज के वीडियो में, आप देखते रहिए डॉन एक्सप्रेस। अब बात करती हूँ पूजन के शुभ मुहूर्त की। अगर धनतेरस की बात करूँ तो धनतेरस पूजा का जो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त माना गया है वो सुबह 5:30 बजे से 7:23 तक माना गया है। जी हाँ, और अगर मैं दिवाली के पूजन की बात करूँ तो महालक्ष्मी के पूजन की, तो वो 5:28 से शुरू होकर 8:06 तक रहेगा। तो ये मुहूर्त है जब आप अपने घर में पूजन कर सकते हैं। दिवाली के पूजन में हम कैलेंडर लाते हैं या फिर मूर्तियां रखते हैं, लेकिन अगर आप कैलेंडर ला रहे हैं तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा 3-4 चीज़ों की जो मैं आपको यहाँ द डॉन एक्सप्रेस में बता रही हूँ। अगर आप कैलेंडर ला रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि अकेले माँ लक्ष्मी का कैलेंडर ना हो। जी हाँ, उसमें तीनों गणेश जी, सरस्वती जी और माँ लक्ष्मी तीनों विराजमान हों। साथ ही दोनों कैलेंडर के दोनों तरफ हाथियां सूंड उठाते हुए हों, जिससे ये माना जाता है कि धन धान्य जो है वो साल भर से ज़्यादा आपके घर में रहेगा। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के पांव नहीं दिखने चाहिए। जी हाँ, उससे माना जाता है कि धन ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ये तीन खास बातें हैं जो आपको कैलेंडर खरीदते समय याद रखनी है। तो अकेले माँ लक्ष्मी का कैलेंडर बिल्कुल मत लगाइएगा, तीनों विराजमान हों। जी हाँ, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी भी। ये बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताई है और आपको ज़रूर याद रखनी है। दिवाली इस बार, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2020 की बहुत ही अलग तरीके से मनाई जाएगी। अगर मैं राम जी की नगरी अयोध्या की बात करूं तो वहां पर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, योगी गवर्नमेंट ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और इस बार वर्चुअल दिए जलाए जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही अलग तरीके की बात है जो पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है और इस वक्त सारी चीज़ें वर्चुअल ही हो रही हैं, तो दिए क्यों नहीं। जी हाँ, और वेबसाइट खास तौर पर तैयार की गई है जिसमें आप जुड़ सकते हैं और सारी तैयारियाँ देख सकते हैं, दीपोत्सव देख सकते हैं जो वर्चुअली आपके घर में आप माँ लक्ष्मी का और राम जी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। और अब खास बात यह है कि दिल्ली वालों के लिए अब पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, 9 तारीख से 30 तारीख तक का ये पूरा बैन है, जहाँ पर ना तो आप पटाखे किसी से खरीद सकते हैं ना ही उन्हें जला सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वायु प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी पिछले साल के औसतन में और भी ज़्यादा इस नवंबर को ख़राब होने की पूरी संभावना है। और वायु प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है और साथ ही साथ कोरोना की महामारी भी इस साल है, तो उसको देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है जो बहुत ही, अगर हम कहें तो, अनिवार्य है। तो आप भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिएगा। यहाँ तक कि अगर आप पटाखे जलाते हैं, कहीं और से लाकर जलाते हैं, तो ये आप ही के लिए नुकसानदायक बात होगी। तो आपसे यहाँ पर अपने इस चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि पटाखों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है वो बहुत ही खतरनाक स्तर पर है। तो हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथों में है। अब बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। हम सब जानते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। श्री कृष्ण जो माखन चोर भी कहलाए जाते हैं और कान्हा भी कहलाए जाते हैं, उनको गोवर्धन की बात से ऐसे जोड़ा गया है जैसे मानो सालों से उन्हीं को इसी नाम से जाना जाता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पूजा की, जो दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसको श्री कृष्ण ने अपनी कम की उंगली पर उठा लिया था और भारी वर्षा से सभी लोगों की रक्षा की थी। जी हाँ, और इसकी पूजा की जाती है ताकि घर में धन धान्य तो आए ही, साथ ही पूरे साल इस तरीके से जो सीज़न होता है बारिश का, जो मॉनसून सीज़न जिसे कहते हैं, उसमें इंद्रदेव प्रसन्न हों और हम लोगों को वर्षा ज़रूर प्रदान करें और सूखा कभी ना पड़े। तो इसी उपलक्ष्य में गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। ये वही पर्वत है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जिसे कृष्ण ने और कान्हा जी ने, कहा जाता है कान्हा ने अपनी कंकी उंगली पर उठाया था।
अब आपको बताती हूँ वो जानकारी जो बहुत कम लोगों को है। दरअसल ये है आपके गिफ्ट के बारे में। दिवाली का मौका है और आप लोग गिफ्ट देने की तैयारी में भी होंगे और कुछ लोगों को गिफ्ट मिलेंगे भी। लेकिन क्या आपको पता है कि 1958 में गिफ्ट टैक्स भी बनाया गया था, जिसको 1998 में ख़त्म कर दिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन 2004 में इसको इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंडर ले लिया गया, जिसमें अब आप 2017 और 18 से शुरू हुआ है, जिसमें जो भी गिफ्ट के लेनदार हैं उनको महंगे गिफ्ट का पूरा ब्यौरा देना होगा सरकार को। तो ये बेसिक जानकारी है जिसे आप सोच समझ कर गिफ्ट लीजिएगा और दीजिएगा। अब बात करती हूँ भाई दूज की। जी हाँ, भाई बहन का त्यौहार साल में दो होते हैं, एक रक्षाबंधन और दूसरा भाई दूज। इसमें तिलक किया जाता है बहनों द्वारा भाइयों के माथे पर और उनको मिठाइयाँ दी जाती हैं और भाई भी उनको गिफ्ट्स देते हैं। और अगर मैं मुहूर्त की बात करूं तो इस बार 11 बजे से मुहूर्त शुरू होकर 3 बजे तक चलेगा, तो आप अपने भाइयों का तिलक इस शुभ मुहूर्त में अवश्य करें। और साथ ही साथ एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहती हूं। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए और जाते जाते हमारी द डॉन एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आप सबको धनतेरस की, छोटी दिवाली की, दिवाली की, भाई दूज की पूरी पूरी शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग बहुत ही सेफ दिवाली बनाइए और साथ ही साथ अपने कोरोना वायरस से अपना ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ पटाखों से दूरी बनाए रखिएगा और पूरी सावधानी से ये त्यौहार मनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।